इस वक्त की अगली खबर राजधानी भोपाल से ही। स्कूल शिक्षा विभाग में टीचरों के तबादले अब ऑनलाइन होंगे। विभाग ने कैबिनेट को प्रस्ताव भेजा है, जुलाई के आखिरी सप्ताह में पॉलिसी जारी होगी। पिछले साल 10,000 से अधिक टीचरों के तबादले हुए, नई पॉलिसी में ट्रांसफर कोटा बढ़ेगा। सामान्य प्रशासन विभाग जल्दी आदेश जारी करेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता विवेक जी का। विवेक जी, स्कूल शिक्षा विभाग में आप टीचरों के तबादले ऑनलाइन होंगे, क्या कुछ जानकारी? देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा किसी विभाग में अधिकारी कर्मचारी हैं तो स्कूल शिक्षा विभाग में है, और पिछले साल 10,000 से अधिक टीचरों के तबादले हुए थे। ठीक इसी प्रकार इस बार भी ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत तबादले किए जाएंगे, और इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया, और सामान्य प्रशासन विभाग कैबिनेट में इस प्रस्ताव को लेकर आएगा और इसके बाद ट्रांसफर पॉलिसी जारी होगी। कर्मचारी लगातार ट्रांसफर पॉलिसी का इंतजार करते रहे हैं, लेकिन पहले पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के चलते ट्रांसफर पॉलिसी नहीं लेकर आ पाई थी सरकार, लेकिन अब नगरीय निकाय चुनाव 20 तारीख से खत्म हो जाएंगे और इसके बाद राज्य सरकार विधानसभा सत्र के फौरन बाद ही ट्रांसफर पॉलिसी जारी करेगी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार स्कूल शिक्षा विभाग की जो टीचर है उन्हें सबसे ज्यादा मौका मिलेगा। इस बार जो ट्रांसफर परसेंटेज है इस बार बढ़ाया जा सकता है, जैसा कि पिछले साल 10,000 से अधिक ट्रांसफर होंगे तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 15 से 20,000 से अधिक शिक्षकों के तबादले किए जाए, क्योंकि 4,00,000 से अधिक शिक्षक स्कूल शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं। तो ऐसे में ट्रांसफर परसेंटेज को बढ़ाने की जो प्रस्ताव है वो सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया है। यह प्रस्ताव कैबिनेट से अप्रूवल होने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के पास वापस जाएगा, और सामान्य प्रशासन विभाग कैबिनेट की अनुमोदन के बाद ही इस प्रस्ताव को लागू करेगा। तो एक ही सबसे बड़ी राहत की खबर है कर्मचारियों के लिए कि सरकार जल्द से जल्द अब ट्रांसफर पॉलिसी लेकर आने जा रही है, क्योंकि हर साल देखा जाता है कि जून के महीने में ट्रांसफर पॉलिसी जारी होती है, जुलाई से जो कर्मचारियों के ट्रांसफर है वो शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस बार जुलाई में ट्रांसफर पॉलिसी जारी होगी और अगस्त सितंबर तक ये ट्रांसफर का सिलसिला चलेगा और ऐसे में कर्मचारियों के तबादले किए जाएंगे। विवेक जी, बने रहिए आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो नई पॉलिसी में ट्रांसफर कोटा बढ़ेगा, अब जो है ट्रांसफर तबादले होंगे। चलिए अगली खबर की ओर रुक कर लेते हैं इस वक्त की।